नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज अ रिलेशन विद अदर, कि टीचर्स की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और उसका रिलेशन अपने कोलीग्स, स्टूडेंट्स एंड इन सोसाइटी कैसा होना चाहिए। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना टफ नहीं है। और इसकी पीडीएफ जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी गई है। अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, कि एक अच्छे टीचर की गुण कौन सा नहीं है। द राइट आंसर इज बी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर, कि टीचर को ज्यादा भी अनुशासन के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, अ सक्सेसफुल टीचर मस्ट हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हाट डज इट मीन, कि एक सफल टीचर से आपका क्या तात्पर्य है। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर, द राइट आंसर इज एबिलिटी टू अम्यूज, मीन्स कि उसे बच्चों का मनोरंजन करना भी आना चाहिए। उसका टीचिंग का मेथड ऐसा हो जो कि बच्चों को पसंद आए, बच्चे उससे बोर ना हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नीड ऑफ ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर। द राइट आंसर इज बी, दे डील्स विद द सोसाइटी, क्योंकि उसे समाज के साथ भी डील करना होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज अ पुअर टीचर, एंड द राइट आंसर इज बी, वन हु टेल्स, कि जो सिर्फ बताता है, ना वो एक्सप्लेन करता है ना वो इंस्पायर करता है। सो फोर का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेड ऑफ ए टीचर, कि टीचर की पर्सनैलिटी से रिलेटेड ट्रेड कौन सा नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर, टीचिंग एक्सपीरियंस इज नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेड ऑफ ए टीचर। गुड हेल्थ, हाई करेक्टर, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, ऑल आर द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच टाइप ऑफ गाइडेंस इज नॉट प्रोवाइडेड बाई अ टीचर, एंड द राइट आंसर इज सिलेक्शन ऑफ सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो है वो कमेटीज, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है टीचिंग के लिए, वो सिलेबस सिलेक्ट करती है। एंड क्वेश्चन नंबर सेवन, विच टाइप ऑफ टेस्ट शुड नॉट बी गिवन बाय अ गुड टीचर। द राइट आंसर इज डेली टेस्ट। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट क्वालिटी ऑफ ए टीचर मस्ट बी क्रिटिस्ड बाय हिज स्टूडेंट, एंड द राइट आंसर इज डी, डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर नाइन, अ टीचर शुड बी, एंड द राइट आंसर इज द आइडल ऑफ हिज प्यूपल, क्योंकि टीचर को एक आइडल होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर टेन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोफेशनल एफिशेंसी इन अ टीचर, एंड द राइट आंसर इज डी, जस्टिस एंड इम्पार्टली। क्वेश्चन नंबर इलेवन, टीचर शुड नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, व्हाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, एंड डी इज द राइट आंसर, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज द ब्रेन ऑफ यंग टू बिल्ड द नेशन।
Question number 13. A teacher should. The right answer is C. Make his moral character high. उसे अपना moral character जो है वो high करना चाहिए. And question number 13. A teacher should. Sorry, ये पिछले वाला ही question आ गया. And इसका right answer था C. Make his moral character high. Question number 14. What is the necessary quality of any teacher? कि किसी teacher के अंदर क्या जरूरी गुण होना चाहिए? And the right answer is best knowledge of his subject. उसे अपने subject के प्रति अच्छा knowledge होना चाहिए. Question number 15. A teacher is regarded successful. And the right answer is D. Who is remembered for dedication to his work. कि वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो. Question number 16. A teacher should be punctual because. And all options are correct. A option. This will make the student learn the importance of time. कि जो आपके students होंगे, अगर आप punctual होंगे, तो वो भी सीखेंगे कि समय की क्या महत्वता है. Next option. Student will include good habit. बच्चों में अच्छी आदतों का विकास होगा. Student will also be punctual. जो विद्यार्थी हैं, वो भी नियमानुसार कार्य करेंगे. So all options are correct. So D is the right answer. Question number 17. Teacher should have the right answer is democratic outlook. कि उसे democratic look में रहना चाहिए. उसे बच्चों के साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसा उनके साथ जरूरी है. ना ही ज़्यादा strict होना चाहिए, ना ही ज़्यादा उनके साथ friendly भी होना चाहिए. And question number 18. Which among the following is not intellectual quality in a teacher? And the right answer is low level of intelligence. Question number 19. Which of the following quality of teacher contribute the most to good classroom discipline? And the right answer is charming personality. कि वो सभी के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करे और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बच्चों को अच्छी लगे एज अ टीचर. एंड क्वेश्चन नंबर 20. हु सेड द सीक्रेट ऑफ एजुकेशन लाई इन रिस्पेक्टिंग द पीपल. एंड द राइट आंसर इज एमर्सन. एमर्सन ने कहा था कि जो हमारी एजुकेशन है वो बच्चों का जो विकास करना है उससे रिलेटेड है, उनके प्रति आदर है. क्वेश्चन नंबर 21. टीचर रिलेशन बिल द पीपल शुड बी. एंड द राइट आंसर इज ए रिस्पेक्टिंग द चाइल्ड. कि बच्चों का सम्मान करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 22. इफ यू विश टू मेंटेन अ स्वीट रिलेशन विद योर कोलीग्स द इम्पोर्टेंट टूल फॉर यू इज. एंड द राइट आंसर इज टू ट्रस्ट देम ऑनेस्टी. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर आपको अपने सहभागियों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए तो कौन सा वो सबसे महत्वपूर्ण टूल है जो हम यूज कर सकते हैं. और वो है टू ट्रस्ट देम ऑनेस्टी. कि उनके ऊपर विश्वास करना पूरी ईमानदारी से. तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, share and subscribe. Press the bell icon for next notification. Thank you. Have a nice day.